वेल जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि फाइनली जो है हमने दो केव्स को पिछले एपिसोड के अंदर कंप्लीट किया था, जहां से हमको लाइक दो आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने मिले थे एंड उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही बुरा हादसा था लाइक ओके हम सीधा जंप मारने वाले हैं। मैंने अपना जो सिल्वर बैग था उसे खो दिया लाइक जिसके लिए मैं अभी भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट खा रहा हूँ। प्लस हमने हमारा जो वाइपर था एक वल्चर वो भी खो दिया। उस चीज़ का मेरे को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन उस हादसे से मैं अभी बाहर नहीं आया हूँ। मैं कुछ कर भी नहीं सकता ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जो चीज़ कर सकता वो मैंने की, जो कि ग्रे स्टोन लगाना था उनका। एनीवेज लेकिन उसके बाद हमने पिछले एपिसोड के अंदर सदमे में आके कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर ली, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। ये देखो, सबसे पहले तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो मैंने कुछ टरेट्स लगा दिए, बिकॉज तुम्हें याद होगा पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमारे बेस पे अटैक हो गया था एंड अटैक से मेरे डाइनोस को नुकसान नहीं होता, लेकिन वो हिल जाते हैं, यहाँ से वहाँ सब हिल जाते हैं, तो वो सही चीज़ नहीं, इसलिए मैंने टरेट्स लगा दी ताकि वो बार बार मेरे को उनको ठीक ना करना पड़े और कोई गलती से डाइनो डूनो ना मर जाए, तो वो मैंने लगा दिए। बाकी यहाँ पे मैंने जो है ये लगा दिए जिसके अंदर मैंने बुलेट्स लगी थी, लेकिन आई थिंक सारी उसने वहाँ भेज दिए। सो बेसिकली एमो क्रिएट होती है, इसके अंदर आपको एमोस डालनी होती है एंड वो टरेट्स को खुद ही सप्लाई करता है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी वो लोग भाई वो मछली पिछली जो भी दिख रही उसको मारे जा रहे, बट अब मैं बोला मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं हो तो ठीक है। बाकी यहाँ से मैं इसको एक्सेस वगैरह कर सकता हूँ एंड इसके अंदर मैंने देखो बहुत सारे जार रखे हैं, चार हम पे आ गए, इसमें भी आई थिंक तीन चार तो बन ही गए होंगे अब तक। अरे यार इसको एक्सेस करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? ओके इसमें दो बने, नॉट बैड। एक काम करेंगे, सबसे पहले सारी दारू गार्डनर को देंगे, बिकॉज गार्डनर हमारा दारू पे चलता है और देख सकते हो इसने इसके अंदर सारे क्रॉप्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, लाइक तुम्हें हर पर्टिकुलर इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इसके पास जाओ, यही आपको दिखा देगी कि कौन से अवेलेबल है कौन से नहीं। बाकी ये हमारे रैप्टर्स है जिसमें दो और रैप्टर्स पता नहीं पिछले बार कहाँ से आ गए, लाइक ये थे नहीं दो, पता नहीं कहाँ से नहीं एक्चुअली अटैक हुआ है उसके बाद ये लोग कहाँ से आ गए मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद ये बाहर बूर चले गए थे या पता नहीं, लेकिन आगे तो मैंने लगा दिया, सारे रैप्टर्स ने पूरे भर गए। बाकी यहाँ पे मैंने अपने दो डियोट्स को रखा है बिकॉज इनके लिए मेरे को लगा कि ये जगह बेस्ट है एंड इसके बाद तुम ये देख सकते हो मैंने अपने बेस को एक्सपैंड कर दिया है। ऑल्सो यहाँ पे हमारे जेरबोआ की ग्रेवस्टोन लगी है, उसके बाद में यहाँ पे हमारा वाइपर रहा करता था उसकी ग्रेवस्टोन लगी है एंड यहाँ पे हमारा सिलो बैग रहा करता था। अब तुम सोचोगे भाई यहाँ कैसे रहता था, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया, वरना ये पूरी ऐसी लाइन कनेक्टेड थी, लेकिन इसको हटा के मैंने जो है यहाँ पे इसको पूरा इतना बड़ा कर दिया है। सो बेस मैंने इसलिए बड़ा किया बिकॉज मैंने ऐसा सोचा कि अभी मेरे को रेक्स वगैरह टेम करना है, तो अब वापस से इतना बड़ा बेस बनाने का कोई मतलब नहीं जबकि मेरे पे इतना प्यारा बेस ऑलरेडी है, तो मैंने सोचा इसे एक्सपेंड किया जाए। ऑल्सो यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं मेटल्स की रेलिंग लगा दी है जिससे ज़्यादा बेटर लुक आ रहा है बेस को, लाइक थोड़ा मॉडर्न टाइप लग रहा है। एंड यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपने डायनोस को रखा है, बाकी डायनोस मैंने आपको दिखा दिया कहाँ मैंने रखे। एंड लिमिट ट्रैक मैंने ऊपर रख दिया, सोचा है नीचे रह के क्या ही करेगा अकेला बचा है, पता चला मर भर गया। बाकी वो रहा हमारा प्यारा फ्यूनिक्स, ये चलता क्यों नहीं है, ग्लिच क्यों मार जाता है, पता नहीं वक्त वक्त खुद ही ग्लिच मार जाता है। बाकी यार सो आज के इस एपिसोड में फिर हम लोग क्या करने वाले, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि आज के इस एपिसोड के अंदर फाइनली घड़ी आ चुकी कि हम मैंटिस को टेम करें, बिकॉज मैंटिस काफी अच्छी हार्वेस्टिंग करता है प्लस वो डैमेज वगैरह में बहुत प्यारा है, तो इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना हमें मैंटिस को टेम कर लेना चाहिए, जिसके लिए मैंने ट्रैप बना दिया एंड होपफुली ये ट्रैप वर्क करे, हर बार जैसे बकचोदी होती है वो ना ही हो तो बेटर होगा। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। बाकी आर्टिफैक्ट्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया और आर्टिफैक्ट्स बहुत जल्दी हम कलेक्ट करेंगे, मुझे अभी और के उसकी लोकेशन नहीं पता है, मेरे को जो तीन पता थी मैंने वो तीनों के तीनों चेक कर ली। और एक और चीज़ यहाँ पे मिलो मेरे न्यू सिम्बा से, सिल्वर बैग तो नहीं रहा लेकिन उसकी जगह अब हमारा सिम्बा लेगा। अब आपके महाराज हैं। ये स्पीड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है एंड क्या बोलते हैं इसके स्टैट्स में तुम्हें दिखाओ तो इसका डैमेज ऑलमोस्ट 2500 का है, 1500 इसकी एचपी है, स्टैमिना इसका ये है, ऑल्सो फूड वगैरह इसके कम पॉइंट्स है। मैंने जैसे ही बताया कि मैंने इसे ट्रिक किया है जो मैं आपको बहुत जल्दी म्यूटेशन की वीडियो में बताऊँगा। सबर करो यार आ जाएगी वीडियो, इधर मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, तुम्हें आसान लगता है। बाकी एक काम करेंगे पहले जो है इसको लेंगे अंदर, ठीक है इसको अंदर ले लेंगे। मैंटिस रुक जाओ, एम से ना मैंटिस एक हाई लेवल का हमें कहाँ देखने मिलेगा, देखने को 116 लेवल का है वो भी भाई उस कोने में, बाप रे यार उनको। अरे रुक जाओ, मैंटिस को टेम करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ली नहीं, वो हॉर्न्स वाला मैं इतनी मेहनत से कलेक्ट करके रखा, 7 हॉर्न्स मेरे पास है जिसमें मैं टारगेट रखा हूँ 2 मैंटिस टेम करने का, लेकिन होपफुली वो हो जाए टेम, बस मेरे को ऐसा ना हो कि 4-5-6 ले ले वो। ऑल दो 116 लेवल का है तो मेरे हिसाब से 3 या 4 में हो जाना चाहिए, और उसके अपोजिट जेंडर को हम थोड़े कम
लेवल में करेंगे जिससे चार और तीन करके ऐसे टीम हो जाए, लाइक होपफुली उतने में हो जाए। लेकिन हॉर्न्स वगैरह लाइक थोड़े आर्टिफैक्ट टाइप्स रिसोर्सेस है, लाइक प्रीमियम रिसोर्सेस कह सकते हैं, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिवनेस देती है टीमिंग में। सो होप्स तो यही है कि भाई इतने में हो जाए, बाकी देखते हैं। और भाई वो वेदर, भाई वो कौन सा फ्यूनिक्स के लिए आता है वो आ ही नहीं रहा है, मेरे को फ्यूनिक्स टेम करना है इसके अंदर, मेरे को देखना है भाई कैसे चलता है फ्यूनिक्स। ऑल्सो एक बार हमारे पास मैंटिस आ गया तो हम ढेर सारी मेटल फार्मिंग भी कर सकते हैं, प्लस हम लोग एक बड़ा सा फोर्स लगाने वाले मेटल का। ऑल्सो मैंने ना एक और चीज़ बताना भूल गया, मैंने माइंड वाइप पी ली क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को स्टार्ट पॉइंट्स में थोड़े चेंजेस करने चाहिए, मेरे वेट में मैंने ज़्यादा पॉइंट्स डाले थोड़े। और रुको एक सेकेंड, फोर्ज जो है हाँ खुल गया ना, बहुत सी इंडस्ट्रियल फोर्ज बनाएंगे जिसके लिए हमको कुछ ज़्यादा मेटल्स लग रहे थे मेरे पे इतने मेटल्स, लेकिन यूज कर लिया और लेके आने के लिए। A few inches later. अभी इसमें 14 मतलब दो बजाए, दो बजे इतनी गर्मी कैसे हो ना, दो कैसे बात कर सही है। अरे यार ये इधर था ना, उधर कैसे चला गया। और रुक जाओ मेरे को एक चीज़ देखने दो, क्या हम मैंटिस को आज इससे नहीं उठा सकते लगने वाले मेरे बहुत गंदे लगने वाले। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आज ही से मैंटिस को उठा के ट्रैप के अंदर डाल दूंगा, लेकिन वैसा नहीं है, नहीं है। अरे यार ये कहाँ लोकेट हो रहे हैं भाई, हो जाना है एक जगह पे भाई। यार तीन मैंटिस किस खुशी में यार, आ जाओ तुम दोनों इधर, आ जाओ। अरे यार इतना ज़्यादा डैमेज है ना मेरा, टिक नहीं पाओगी जिंदगी में। ओके रुक जा वो क्यों पीछे आ रहा है मेरे भाई, रुक जा। अरे इधर आ। ओके और दो मार दिए मैंने, रास्ता क्लियर है। एक काम करेंगे ट्रैप यहीं पे बिछाएंगे। ओके ये हमारे पास नहीं आ रहा है, एक लगाएंगे यहाँ पे फाउंडेशन, ठीक है। अभी देखो ये, अरे नहीं ना मेरे भाई नहीं आ रहा, रुक जाओ। अरे नहीं आ रहा तो बोल देना पहली, ये देख बेबो का 14। अरे यार आ ही रहा है, आ जा। वाओ इधर आ, इसको थोड़ा दूर लेके जाऊंगा। देखो होप्स मेरे ये है कि मैं मैंटिस को इज्जत से कर लूटें, बिकॉज मेरे को काइंड ऑफ ऐसा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। रुको इनको मार डालता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा मैंटिस इनसे पंगा ले। मेरे आरजी का डैमेज काफी ज्यादा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे यार इसका प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है। 2-3-4 अबे यार वो जंप मारता है पे लंबी वाली, रुक जाओ। देखो ऐसा है तो एक काम, अरे यार तू क्यों बदला लेने आ रहा है, तेरे को तो, अरे तू मरा नहीं था, रुक जाओ। ये वाले को भी ख़त्म कर देता हूँ, ये पता नहीं कितने लग गए, बट 64 लेवल का था ना करता है। भाई मैंटिस कुछ ज़्यादा दूर से नहीं, यार ये लोग इतने दूर से क्यों रेंडर लेते हैं। एक काम करी तेरा पैसिव है, हाँ मार खा, उसकी बहुत हेल्थ है, उसको बिंदास मार, पूरा मार डाल, कोई दिक्कत नहीं अपने को, बिंदास मार, तेरे लिए है भाई। तू 56 का डैमेज देखिए क्या ही उखाड़ लेगा उसका। रुक जाओ, मैंने अपना पता नहीं क्यों मैं ये हरकत कर रहा हूँ, मैं अपना आरजी बलिदान में लगा के बैठा हूँ, मैं आरजी को बेट बना के बैठा, मेरे को शर्म आनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैंटिस को हम यहाँ से चढ़ाने की कोशिश करेंगे एंड होपफुली वो उसके अंदर अटक जाए, ठीक है। अरे यार प्यास की लग गई, अरे यार मैं कैंटीन भी नहीं लेके आया। वाह रुक जा, इतना नहीं मारना है बेटे, रुक जा बेटे। एक काम करने दो, मेरे को बेस पे जाना पड़ेगा, रुक जा, शिट, मेरे पे पानी है ही नहीं, मारना नहीं, गलती आके मार देगा गलती। अरे यार रुकना, अच्छा ठीक है। देखो वहाँ पे अभी दो रैप्टर से मार ले भाई, टरेट मार रही है तो, रुक जाओ इनको ना अपन मरवा के रहेंगे टरेट, मैंने वैसे भी, रुक जा, मैंने रेंज हाई सेट करके रखी थी, पता नहीं मार रहा है। बहुत सही, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, इसके आगे लोग नहीं आ पाएंगे इसमें, मतलब बहुत सही। चलो वापस से जाते हैं। अरे नहीं, शिट, अरे नहीं यार भाई होम पे नहीं जाना था यार, फिर इतना दूर उड़ना पड़ेगा, लास्ट रिमोट लोकेशन मैंने होम कर दी गलती से यार, क्यों। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ऑल्दो मुझे यहां पे थाईलास चाहिए क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल है, बट फाइन इवन ही फॉर्म पे थाईलैंड, ठीक है लेट्स सी होप्स तो। अरे यार वल्चर क्यों मार रहे इसे, पागल है तुम हैं, इसने तो कुछ किया भी नहीं था तुमको, वल्चर ऐसा अटैक तो नहीं करते थे। कोई बात नहीं, चलो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ लेके आने की, भाई आ जा भाई प्लीज, सांप नहीं आना बस पीछे तो अच्छा होगा। हाय आ जा। ओके आ जा। भाई ये जो जंप का इसका सीन है ना, जंप का सीन बहुत गंदा है यार इसका। आ जा, फंस जा प्लीज। बहुत सही, इजी, वेरी इजी। चलो हमने इजीली इसको ट्रैप कर लिया, बस ये जंप भी मारता है, वो सीन ना हो तो बेटर होगा। बाकी रुक जाओ एक काम करेंगे, अपना जो सिम्बा है उसे बाहर निकालते हैं। यार मेरे को अभी भी सिल्वर बैक की बहुत याद आ रही है, कोई बात नहीं, पहले इनको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनको खाने के लिए कुछ अलता भलता आ जाए।
बाकी रुक जाओ, एक काम करेंगे, इसको ना इसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है, इसको अंदर ले लेते हैं। एंड इसके इन्वेंट्री में क्या है, इसके इन्वेंट्री में पॉलीमर्स मेरे को चाहिए, हाइट्स, ए व्हाट द हेल, ये कहाँ से आया बे, और प्रिमिटिव इलेक्ट्रिक पॉड मिली है, विप विप किसी काम की नहीं, बाकी कोई चीज़ अपने काम की नहीं, चलो कोई बात नहीं। थाइला को अभी यूज़ करेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ से थाइलास पे अच्छे से राइड तो कर ही सकते हैं, अभी थाइला को ही यूज़ करते हैं फिलहाल, ये रहने दो। बाकी ट्रैप वगैरह मैं इसमें डाल देता हूँ एज थाइला का काफ़ी ज़्यादा वेट है, सो एंड लेट्स होप कि ये जल्दी थोड़ा हो जाए, बाकी मैं थोड़ा बहुत एरिया यहाँ पे वैसे क्लियर ही है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ये अभी मार ही रहा है मेरे को, आई थिंक थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, इसको डिसाइग्रो होने देना पड़ेगा, तब तक हम आई थिंक कुछ नहीं कर सकते। इसमें और केव्स कहाँ पे मिलेंगी मेरे को, मैंने 3 केव्स तो कर ली ऑल्सो, इसको मारेंगे, ये देखिए अभी तो अटैक नहीं कर रहे, अब नहीं मारता है, मार रहा है, अरे यार अभी तो नहीं मारते लोग, बट तो तब से मार देते हैं। यहाँ पे कुछ और मैंटिस है बट मैं नहीं चाहता कि मैं सबको मार दूँ, क्योंकि गलती से अगर कोई हाई लेवल का आ, भाई ये बंदों का पता नहीं क्या सीन है, ये बंदे जनरली इतना दूर से बदला लेने आते हैं ना, पता नहीं कैसे। ओके लेट्स होप कि अब, ओके आई थिंक अब तक हमारा जो मैंटिस है वो शांत हो गया रहेगा, अभी प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा ईजी इसको टेम करने की, एंड होपफुली ये हो जाए। ओके ये शांत हो गया, ठीक है, होप कि ये हो गया हो, हम एक काम करेंगे पहले कुछ मीट खाएंगे, आई डोंट नो कि ये वर्क करेगा कि नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए गिली सूट लगता है, बट रुक जाओ ट्राई करते हैं, ऑप्शन आ जा अभी, प्लीज़ 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 ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसको खिलाने का, हैं ये भाई ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, रुक जाओ, नहीं नहीं गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, रुक जाओ एक और काम कर सकते हैं अपन, रुक जाओ, विल ट्राई कि हम इसके ऊपर से चढ़ के, रुक जाओ भाई उसका शक्ल देख के गांड फट गई मेरी। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, अपन जो है बेस पे जाते हैं, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं बेस पे जाते हैं, गिली सूट बना के लेके आते हैं, और एक और इम्पोर्ट गिली सूट है अपने पे, रुक जाओ गिली सूट नहीं बनाएंगे, गिली सूट है अपने पे, अपन क्या करेंगे बताते हैं, सबसे पहले ऊपर जाके मेरे को गिली सूट मेरा ये रहा, गिली सूट मैं यहाँ से ले लेता अपने लिए, क्योंकि मे बी मेरे को इसकी ज़रूरत पड़े, मैं श्योर नहीं हूँ, बट लेट्स होप कि ये मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बाकी रुको, हमें 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 क्या करना पड़ेगा बताए, हमें ना विंडोज़ बनानी होंगी आई थिंक, मे बी इसमें विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती होगी तभी ये टीम होता होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन तो चाहिए ना फीड करने का, तो मेरे हिसाब से 4 विंडोज़ आई थिंक काफ़ी होगी, लेट्स सी इसमें हो जाए होपफुली, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही करना है, लाइक क्योंकि लास्ट मैंने 8 महीने पहले किया था वाइपर और हैरी के साथ कोई तो एक मैप के अंदर, मे बी लास्ट मे भी हमने वो किया था वेलियरों में होपफुली। ये फिर से शांत हो चुका है, इस बार हमारे पास सारा आर्मर भी है, नाइस, अरे यार बैठ जाना, ओके रुक जाओ, ये इसको खिलाने का ऑप्शन फिलहाल तो नहीं आ रहा है, लेकिन रुक जाओ अभी भी नहीं आएगा, बट एक काम करेंगे अपन इसको चेंज कर देंगे ऐसे, चेंज नहीं करना था, ये गुस्सा हो जाता है, शीट 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 शीट, रुक जाओ, अच्छा अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ, अरे वॉल्स कहाँ गई, अरे रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं गई, कोई दिक्कत नहीं, अरे रुक जाओ, नहीं 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 वॉल्स, अरे यार बात बात पर इसको क्यों प्यास लग जाती है, रुक जाओ मैं कुछ करना चाहता हूँ जल्दी से, इसको करेंगे पिकअप, निकलना नहीं निकलना नहीं निकलना नहीं, मेरे को डर लग रहा है, नहीं भाई पीछे हट जा भाई, प्लीज पीछे हट जा भाई, भाई भाई बाहर नहीं निकलना भाई, बाहर नहीं निकलना, इधर इधर से इधर 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 आ इधर आ, हाँ इधर घूम 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 इधर घूम इधर घूम, घुमा 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 भाई मेरे अंदर आ, तुम्हारे आपके नौकर हैं, पीछे देख पीछे देख पीछे भाई, हेलो भाई मत कर यार ऐसा भाई, पीछे देख ले प्लीज यार, पीछे देख बेटी चोट, अरे यार मैंने गलती कर दी यार, रुक जाओ विंडो लगेगी, प्लीज लग जा यार प्लीज, पीछे हटना, हाँ हट गया पीछे, रुक जा भाई पीछे हट जा, बाहर मत निकल, रुक जाओ रुक जा, हाँ ओके मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, अरे लगना यार, रुक जा, अरे यार रुक जा पंच, अरे नहीं कर पा रहा यार मैं, रुक जाओ
अबे यार मैंने गलती कर दी, मैं थोड़ा कुछ और सोच लिया था, बट वो कुछ और ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करेंगे, एक और फाउंडेशन प्लेस करेंगे एंड इस पे वॉल्स को प्लेस कर लेंगे अपन पहले तो। आई विल डू समथिंग लाइक दिस। ओके ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक काम करेंगे, अभी यार, अरे यार भाई मैं क्यों दिमाग खराब हो रहा है, मैं मुख गंदा मारूंगा बहुत ज़्यादा। रुक जाओ, ट्रैप फेल हो गया भाई, ट्रैप फेल हो गया। इसको एडजस्ट कैसे करूँ? अबे यार रुको, पहले खाता क्या मेरे को वो देखने दो। ओके, मैंटिस जो है वो डेथवॉर्म्स के हॉर्न खाता है। आठ में कितने? ओके 150 लेवल का 8 में टेम होगा, मतलब ये 400-500 तो खा ही लेगा मेरे। ओके मतलब ये तो कन्फर्म है कि डेथवॉर्म हॉर्न्स खाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, बेस पे जाते हैं और एक ट्रैप बना के लेके आते हैं। गलती हो गई यार, बहुत मिस्टेक हो गई, शिट यार। रुक जाओ, पहले एक काम करेंगे, रुक जाओ, फाउंडेशन भी नहीं है ना अपने पे, रुक जाओ, फाउंडेशन, एक फाउंडेशन अनलॉक करने दो, उसके बाद में अपन एक काम करेंगे, पहले फाउंडेशन है अपने पे, बट ठीक है फिर भी दो फाउंडेशन बना लेते, 24 नहीं मेरे भाई। ओके दो फाउंडेशन बनाएंगे, इसके बाद में 8 लगेंगे अपने को फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, रुक जाओ, दो और एक और दो, एंड विंडोज़ को 4 बना लेंगे, विंडोज़ 3 नहीं 4। देखो मैंने सच्ची बोली तो ट्रैप भाई बहुत सही लगाया, लेकिन पता नहीं ये दिक्कत क्यों दे रहा है, इसको देनी नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ। अरे इसे फीडिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। ऑल्दो मैंने फर्स्ट में रखना है क्या? आ रहा है। अच्छा, अरे यार पुट टेमिंग फूड इन द लास्ट, अबे तो रख रहा हूँ ना मेरे भाई, डेथ वॉर्म के रख तो, हाँ आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ 63 कितना 64% है, बहुत सही हो जाएगा। मैं बोला ना भाई ज़रूरत नहीं है मेरे को, लेकिन चलो ठीक है, हमने जो ट्रैप बनाया हमें सेकंड मैंटिस को टेम करने में काम आएगा। अरे वो सीन पता है क्या हो रहा था, रुक जाओ ले पी ले भाई, पता है सीन क्या हो रहा था, मैं जो है उसको नीचे देख रहा था, मेरे को आई थिंक थोड़ा एडजस्ट करके ऊपर देखना था, एंड दैट्स इट, उसके बाद हम उसे खिला सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलो फाइनली हमारा जो मैंटिस है वो टेम हो रहा है, बाकी यहाँ से कुछ प्राइमेट्स को फार्म कर लिया जाए। हमें जाना है इसके पूरा क्लोज एंड वेट अंटिल इट्स हंग्री। ओके इजी गाइस, इजी हो गया, चलो फाइनली हमने यहाँ पे हमारा जो ये है इसको टेम कर लिया भाई, बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बाकी ट्रैप को हम ऐसे ही रखेंगे, किसी दिन अगर एमरजेंसी में हमें हेल्प हो गई तो हो गई भाई। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक मैंटिस आ चुका है जिसका मिली डैमेज 18 का है, बस कुछ खास नहीं है बट ठीक है। अरे यार इसको कितनी प्यास लगती, पी ले भाई, और मेरे पे 3 स्लॉट से पानी पीने के, कोई दिक्कत नहीं। और रुक जाओ, एक और मैंटिस को ट्रैक करेंगे, लेट्स सी कोई अच्छे लेवल का मिल जाए। 116 का मेल, अपने पे ऑलरेडी एक मेल है, सो विल गो फॉर फीमेल, इसलिए मैं यहाँ के नहीं है तो फिर भी काफ़ी दूर है, लेकिन स्टिल मैंने नहीं मारे, मैं सोचा हाई लेवल का मिले। ओके वहाँ पे यार ये लोग झुंड में क्यों रहते हैं बाबा, आ जा, कोई बात नहीं, इसको करेंगे डिलीट। नहीं भाई यार मैं बहुत गंदा मारूंगा मैं, हाँ ठीक है तू रुक जा, डिलीट, रुक जा, डिलीट, भाग। ओके चलो एक और हमारे पास मैंटिस आ चुका है, इसके लिए ट्रैप लगाना पड़ेगा अपने को, रुक जाओ, काफ़ी दूर है हम लोग फिलहाल, आई डोंट थिंक इतना दूर ये आएगा। अब इनका प्रॉब्लम क्या है यार, ये इतने दूर क्यों ट्रैक करते हैं किसी को? कोई बात नहीं, इसको आने में ज़िंदगी लग जाएगी, तब तक अपन ट्रैप लगा देंगे। नहीं, बहुत तेज़ है यार, ये बहुत तेज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 भागो, बहुत क्लोज आ गया, पक्का मेरे को लगा ही, अच्छा वही तू यहाँ जब मार, मैं यहाँ जब मारूंगा, पीछा मेरे जल्दी पीछा, एक लास्ट स्टेप बची, उसके बाद तेरे को जितना पीछे पड़ना पड़ते ना। अबे यार इनसे पॉली भाई, इनसे 82 पॉलीमर मिलते हैं, बहुत सही, इनसे पॉलीमर फार्मिंग अच्छी हो जाती है, इसमें तुम्हें पॉलीमर बनाने की ज़्यादातर ज़रूरत है ही नहीं। ऑल्दो तुम ट्रिक से ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को नॉर्मल पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट मैंने वीडियो में एक्चुअली आर्क मोबाइल की वीडियो में एक बार ये टिप बताई थी, लाइक तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वो इंडस्ट्रियल ग्राइंड वगैरह जो भी ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें ऑर्गेनिक पॉलीमर मिले बट डिस्ट्रॉय करने में उसके पॉलीमर वापस मिल जाए, तो ऐसी चीज़ लगा लो। अबे यार रैंप नहीं लाई मैंने, लाई है क्या, रुक जाओ, अबे हाँ चलो 3 है, बहुत सही, और लेट्स सी 1, 2 ठीक है चलो हो जाएगा। इसमें थाइला को हम रखेंगे यहाँ पर एंड इसको कराएंगे पीछा, आजा भाई आजा इधर,
भाई कितना डैमेज देता है, चढ़ 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 नहीं फंसता, नहीं नहीं क्या 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 मैं बोल मैं गया नहीं 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 भाई प्लीज नहीं भाई प्लीज रुक जा रुक जा रुक जा नहीं 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 बहुत साला यार। अबे यार भाई क्यों मेरे साथ होता है ये सारी चीज़ें यार, रुक जा नहीं 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 यार फिर से वही सीन हो गया यार, जो नहीं करवाना था वही क्यों होता है, रुक जा कोई दिक्कत नहीं है हम इसको ऐसे लगा देंगे तो होपफुली ये एग्रो नहीं होगा हम पे, कोई बात नहीं लेट्स होप ये वर्क कर जाए। अरे यार वो अंदर उसने धक्का दे दिया भाई, मैं वेट कर रहा था कि जम ना करे मेरे पे लेकिन उसने में उसने धक्का दे दिया, कोई बात नहीं आ जा जम मारे ये ना जम या। अरे यार मैं यहाँ जम मारता तू वहाँ जम मारता है, हट भाई बहुत फार्मिंग हो रही है बड़ी मछली बहुत सी बहुत सी। वो क्या मारा है बे, अच्छा ये मेरे मारा है। कितने पॉलीमर्स कलेक्ट कर लिया अपन ने, अरे यार इसकी ना विक्टिम आइटम कलेक्शन इसका रुको सिम्बा का चालू है ना, रुक जाओ हार्वेस्टिंग सेटिंग्स में जाके डिसेबल विक्टिम आइटम कलेक्शन जिससे कि ये फालतू की चीज़ें कलेक्ट ना करें, मेरे को नहीं ज़रूरत भाई विक की मैं खुद बना लेता हूँ, इतना गरीब भी नहीं हूँ मैं। आले पीले अहमत कर इसमें ये सब हमारे काम का नहीं है, बेरीज भी किसी काम की नहीं है, पैंट भी किसी काम की नहीं है, एरोज नहीं है, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं काम का। ये पता नहीं इलेक्ट्रल पॉड का क्या सीन है, ये आई थिंक आपको टेमिंग में हेल्प करता है जो कि सच्ची बोलो तो टेमिंग के लिए कोई यूज़ नहीं करता है, बट उसका वही काम है मोस्टली। तो लेट्स सी हमारा जो थैला है आई मीन हमारा जो मैंटिस है वो हुआ है कि नहीं, शांत हो गया। अबे यार नहीं हुआ है, बेस पे जाके आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को, ये इतना पास से नहीं होगा यार, थोड़ा दूर जा रहा हूँ बेस पे नहीं जा रहा यार मैं वापस कौन टेलीफोन मारेगा, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ थोड़ा। ओके ये शांत हो चुका है भाई, उसकी आँखें क्या लग रही है, रुक जाओ। ओके रुक जाओ फीड का ऑप्शन आ रहा है, ओके 62% नॉट बैड, लेट्स वेट दूसरे फीडिंग के लिए, बाकी रुको इनको मार देता हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं था मैंटिस को टेम करना, हमने दो मैंटिस बहुत ईजिली टेम कर लिया था, अभी कुछ नहीं इनकी ब्रीडिंग करेंगे और प्यारे से म्यूटेशन निकालेंगे, डोंट वरी मेरे को मैं जानता हूँ तुम फिर से बोलोगे वीडियो ना, मालूम है मेरे को म्यूटेशन की वीडियो लानी है डोंट वरी। देखो भाई मैं तुम्हें एक चीज़ पिछले एपिसोड में बता चुका, इस बार भी मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं ना एकदम प्रॉपरली वीडियो बनाना चाहता हूँ और जो मेरे से बन नहीं रहे बिकॉज मैं कभी ऐसी म्यूटेशन गाइड पर वीडियो बनाए नहीं हूँ, प्लस मुझे जितना आता है मैं मोस्टली उतना ही करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मुझे जितना है मैं उतना तुम्हें बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरीके का नॉलेज बताऊँ म्यूटेशन का, इसलिए मैं थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर रहा हूँ कि कुछ न्यू चीज़ें मेरे को मिल जाए, प्लस पे अपनी अलग ट्रिक्स है वो भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। चलो ओके आई थिंक हमारी सेकंड रुको आई थिंक हमारी सेकंड फीडिंग अब तक आ जानी चाहिए, ऑल दो ये येलो नहीं होता है, ओके आ गई है रुक जा भाई प्लीज खिला दे जा। ओके चलो फाइनली यहाँ पे हमने हमारे दो मेंटी स्ट्रीम कर लिए है, पहले इसको लेंगे अंदर, अरे यार अंदर लेंगे चढ़ ले भाई, एक तो पता नहीं गेम वापस ग्लिच हो गया, रुक जा आज अंदर चलो बहुत गंदा लैग, चलो कोई बात नहीं चलो, फाइनली हमने दो मैंटिस को यहाँ पे टेम कर लिया है और इसको इतनी प्यास लग रही है ना मेरे को वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, रुको एक काम करेंगे पहले जाएंगे बेस पे, लेट्स गो टू बेस, पहले रुको पहले इसको करेंगे क्लियर बिकॉज ये बहुत इरिटेट करता है। ओके चला गया निशान, पहले हम हमारी सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे प्लस हमारे जो स्लो थे भी यहाँ भेजेंगे, हमारी ये सारी चीज़ें हम जो इसके अंदर रखेंगे और हम जाएंगे मरने को बिकॉज भाई ये बहुत दिक्कत देता है और हम मरेंगे कैसे, तो हम इसको यूज़ करेंगे इतने सारे, अरे कहाँ गए टरेट अपना काम कर रहे हैं, साला एक ही खाने पे मर गया, मेरे को लगा चार पांच खाने पड़ेंगे, वो भाई वो बीमारी आती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगता है, लाइक वो चक्कर विक्कर आने लगते हैं बंदे का और पूरा मैप गोल गोल हिलता है, बहुत इरिटेशन होती है। अभी देखो चली गई, बाकी हमारे बूट भी तो वैसे बहुत फर्टिलाइजर्स बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ इनके स्टोरेज में पॉइंट डालेंगे बिकॉज इनके लिए वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बाकी रुक जाओ इनके इनको मेरे को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या बोलते हैं जो मैंने अपना फार्मर एंड गार्डनर रखा है वो अपने काम कर रहे हैं, बाकी इसमें से जो है हम ये नीचे हमें ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास रेक्स की स्किन आई है लेकिन रेक्स अब तक हमने टेम नहीं किया, देखो मैं चाहूँ ना तो रेक्स अभी भी टेम कर सकता हूँ, लाइक मेरी आई थिंक उतनी हैसियत तो है कि मैं एक रेक्स आराम से टेम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अब तक किया नहीं, मैंने ऐसे सोचा कि रेक्स को हम जो है थोड़ा आराम से टेम करेंगे एक अच्छे ट्रैप के साथ एक अच्छे लेयर का, इसलिए अभी मैं फिलहाल वो डायनोस को टेम करने के पीछे लगा हूं जिनका एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़ है बिकॉज रेक्स को टेम करके तो हमें ब्रीड करके बॉस फाइट करनी है। रुक जाओ एक काम करेंगे हम पहले इसको पहन लेंगे, कोई बात नहीं रुको इसको वापस दे देता हूँ बिकॉज हमारा काम हो चुका है इसको लेके, बाकी ये एमोज वीमोज मेरे पास सब कहाँ से आ गए, मैंटिस के सैडल बनाने दो मेरे को, सैडल्स हमारे पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फाइनली हमने यहाँ पे दो मैंटिस को टेम कर लिया एंड वेदर पता नहीं मौसम बिगड़ गया, अरे यार ये चश्मा लगा लेते हैं बड़ा गुस्सा आता है, माहौल बिगड़ गया है भाई और कुछ नहीं, रुक जाओ
एक सैडल बन गया। बाकी हम लोग जो है मैंटिस के लिए ये जो स्वॉर्ड है हम लोग मैंटिस को देंगे, बिकॉज मैंटिस सच्ची में बहुत प्यारी फार्मिंग एंड डैमेज करते हैं। एंड बाकी बॉस फाइट के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जो है रेक्स को लेके जाऊंगा एंड यूट्रेनस को लेके जाऊंगा। बाकी मैं देख रहा हूँ कि कौन से डायनोस बेटर होंगे बॉस फाइट के लिए। भाई ये पता है क्या करता है, देखो इसके बिना ना कुछ दिखता नहीं है एंड इसके साथ ऐसे दिखता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बिना ही ज़्यादा बेटर दिखता है, पता नहीं क्यों। रुक जाओ, एक सैडल यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे इसका सैडल एंड इसका जो सैडल है वो इसको लगा देंगे यहाँ पे। ओके चलो, वेदर क्लियर हो रहा है, नाइस। चलो अचानक ऐसे कैसे, रुक जाओ, इसका लेवल आया है जो हम फिलहाल हेल्थ में डालेंगे। इनके म्यूटेशंस निकालने के लिए इनकी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। मैंटिस पता नहीं कैसे ब्रीड होता है, आई थिंक मैंटिस की ब्रीडिंग अलग होती है मोस्ट प्रोबेबली। देखो ये मैंटिस पे बैठता नहीं, मैंटिस पे खड़ा होता है, ये मैंने अभी सीखा, मतलब मेरे को नहीं पता था। कोई बात नहीं, चलो मैंटिस को यहाँ पे हमने फाइनली टेम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको जो है यहाँ पे रख देंगे फिलहाल के लिए, बाद में मैं इनकी ब्रीडिंग कर लूँगा। अभी ये, अरे यार ऐसे नहीं करना यार, और ना इनकी जो है ऑप्शंस में से, नहीं ऑप्शन में नहीं, बिहेवियर में से इनकी जो मीटिंग है वो स्टार्ट भी कर देते हैं। रुको, मैंटिस आई थिंक वो एक अजीब सी चीज़ गिराते हैं, अंडे नहीं गिराते, आई थिंक मैंटिस कुछ और गिराते हैं, बट कोई बात नहीं। सो फाइनली आज के इस एपिसोड में हमने जो है टीम कर लिया इन दो मैंटिस को, जो कि सच्ची में बहुत काम की चीज़ है। अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई ये बहुत ही अलग लेवल के हार्वेस्टर्स है, भाई बहुत प्यारी हार्वेस्टिंग ये करते हैं। अगर तुम इनके हाथ में चाकू बीकू दे दोगे तो भाई ये चाकू पकड़ के मारने लग जाएंगे, हैचेट दोगे तो हैचेट पकड़ लेंगे, तो बहुत ही काम की चीज़ है ये। लाइक रुक जाओ, इसमें देखो इसने पकड़ ली यहाँ पे पिकैक्स। सो ये बहुत प्यारे हैं, लाइक इनसे फार्मिंग तुम बहुत अलग लेवल पे कर सकते हो। सो इनकेस तुमने अब तक टेम नहीं किया तो तुम कर सकते हो, बहुत प्यारे ये लोग। सो आई थिंक आज के लिए फिर बस इतना ही, होपफुली आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेक श्योर इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी फाइनली आज हमने जो इन मैंटिस को टीम किया, जो मैं हद से ज्यादा बार आई थिंक बोल चुका, मैं पागल हो रहा हूँ। ऑल्सो गाइस, मेरे को तुम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, लाइक अगर तुम लोग को आर्क पीसी या माइनक्राफ्ट या किसी भी गेम का सर्वर होस्ट करना है तो लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे तुम्हें उस लिंक पे क्लिक करना है, सिंपली मिथिक्स 29 कोड जो उसको यूज करना है, जिससे तुम्हें 25% ऑफ मिलेगा अपनी फर्स्ट सर्वर परचेस पे। तुम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को एक बार चेक कर सकते हो, तुम्हें बहुत प्यारी सर्विस और बहुत प्यारे सर्वर यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। बाकी आज के लिए फिर बस इतना ही, मैं आपसे को मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं बेटी चोद, नहीं क्यों बोलता है, पानी में बाय कर, बाय। Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah.